सेठ जी। मैंने तुम तीनों को आज यहाँ एक खास काम के लिए बुलाया। हमारी गौरी बड़ी हो गई है, अब उसके लिए उचित रिश्ता ढूंढने का समय आ गया। राघव जी, पंडित जी को सूचना दे दो, गौरी के लिए एक अच्छा सा रिश्ता वो ढूंढे। उनसे कह देना कि रिश्ता मुझे अमराग गांव से कोसों दूर का चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उस मनहूस गाँव का साया भी मेरी बेटी पर पड़े। संभाजी, तुम ना मेरे मस्त राम बेटे। भूकंप है, अभी क्या, अभी सब बाहर निकलो। हाय मेरे गोविंदा। संभाजी, राघव जी, प्रगति और गोविंदा अंदर है। गोविंदा, देवसु के लोगों की दृढ़ता और साहस ना कभी टूटा है और भविष्य में ना कभी टूटेगा। इनमें से कुछ लोगों के घर नष्ट हो गए हैं। जब तक उनके घरों की मरम्मत पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती, वो यही हमारे हवेली में रहेंगे। ये सेठ जी साहब तो मेरे ही पीछे पड़ी हुई हैं। चाहती है कि मैं उनके साथ जाके रात को सोऊं। अगर मैंने गलती से भी कुछ बोल दिया तो? अच्छा हुआ सेठ जी साहब के कमरे से निकल गई। ये कौन घूम रहा है हवेली में इतनी रात को? ये तो नागेश सेठ का बेटा अमरीश है। ये बहुत जरूरी बात करनी है तुमसे, आओ। मुझे तो लग रहा है कि भगवान खुद हमें वाहिनी साहब के खिलाफ हथियार उठाने के लिए कह रहे हैं। ये एक विशेष पूजा है, अब सभी महिलाएं अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के नाम सहित अपने कुल गोत्र का नाम बताएं। पिता का नाम नारायण राव, गोत्र अंगिरस। पिता का नाम माधव राव, गोत्र भारद्वाज। तुम भी अपने पिता और गोत्र का नाम लो। अगर मुझे अपने पिता का नाम ना पता हो तो? क्या फोन बंद है? ये कवार गौरी ने अपना फोन बंद किया हुआ है और मैं यहां इतना रिस्क लेकर आया हूं। पता नहीं कहां गायब रहती है गति। शांत शांत एमबी शांत, ये मत बोल तू गौरी को बहुत प्यार करता है। अब यहां आ ही गया हूं तो एक प्यारी सी किस्सी जरूर लेकर जाऊंगा, पर मेरे को तो ये भी नहीं मालूम कि गौरी का रूम कहाँ है। उफ, गौरी गौरी गौरी, कितना तड़पाओगी तुम अपने आशिक को। ये अमरीश गौरी का नाम क्यों जाप रहा है? पता लगाना ही पड़ेगा। शोर मचाया ना तो मारा जाएगा। पर अगर शोर नहीं मचाया तो? ये तो मैं सोचूंगी, लेकिन ये बता तू यहाँ देवसु में इस हवेली में क्या कर रहा है? अब ये मनहूस कहाँ से टपक पड़ी यहाँ पर, क्या बोलूंगा इसको? चुपचाप बता दे वरना शोर मचा के ना सबको जगा दूंगी। सदा सुहागन रहो। ये थाली तो ठीक है ना? आज मारी ने पहली बार हम दोनों को आशीर्वाद दिया। हम दोनों को कहाँ दिया, सिर्फ तुम्हें दिया। सदा सुहागन रहो, इसका मतलब तो गारंटी हो गई ना कि तुम्हारी उम्र मुझसे तो लंबी ही होगी। लेकिन अगर हमारी सुहागरात ऐसे ही टलती रही ना तो ये आशीर्वाद भी मुझे जिंदा नहीं रख पाएगी। तड़प तड़प के यहीं मर जाऊंगा मैं। हमारे शहर में कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। मुझे ना खट्टे फल बहुत पसंद है। बहुत ज्यादा बेशरम हो रहे हो तुम। पंडित जी, पूजा आरंभ कीजिए। ये एक विशेष पूजा है,
जो हम अपने देवसु को प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षित रखने के लिए कर रहे हैं। अब आप इस जलकुंड की आरती कीजिए। फूल पकड़ी, अब तो रोना बंद करो। अब सभी महिलाएं अपनी आंखें बंद करके अपने पिता के नाम सहित अपने कुल गोत्र का नाम बताएं। बेटा तुम भी अपने पिता और गोत्र का नाम लो। मुझे नहीं पता पंडित जी अपने पिता का नाम। क्या मैं उनके बिना पूजा नहीं कर सकती? यदि ऐसा है तो मुझे भी क्षमा करना बेटा। सेठ जी, आपके आदेश अनुसार देवसु के जितने भी घरों को भूकंप से नुकसान हुआ था उन सबकी मरम्मत करवा दी गई, और इस बार तो बारिश भी दिल खोल कर हो रही है। ऐसा लगता है जैसे इस बार इंद्रदेव हमारी पूजा से बहुत प्रसन्न हुए। सेठ जी, राघव जी तुम यहाँ कब आए? सेठ जी मैं तो कुछ समय पहले ही आ गया, किंतु आप किस विचार में खोई हुई है? जिस सेठ जी को पूरे देवसु के बारे में पता होता है आज उन्हें मेरा कमरे में आने का महसूस नहीं हुआ। क्या सोच रही थी आप? मैं प्रगति के बारे में सोच रही हूँ। प्रगति को हमारे गांव में आए हुए कितने दिन बीत गए हैं, लेकिन उसके परिवार के बारे में जानने की कभी कोशिश नहीं की हमने। एक बार अनजाने में उसने मुझसे कहा था कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, लेकिन उसके पिता उसका नाम भी उसे नहीं पता। यही चिट्ठी है सेठ जी, प्रगति की माँ की चिट्ठी। इसमें देवसु का नाम साफ साफ लिखा है और किसी सदाशिव के बारे में भी लिखा है। क्या पता है आपको उस सदाशिव के बारे में? सदाशिव नाम का कोई आदमी तो है ही नहीं। और देवसु की सीमा को बांधने के बाद सिर्फ दो व्यक्ति ने देवसु की सीमा के बाहर पैर रखे, एक देवसु के सेठ जी विनायक राव और दूसरा। मारा और आबा की शादी अच्छे से करनी है तो हो जाएगी ना, इसमें प्रॉब्लम वाली क्या बात है? प्रॉब्लम है पैसा। मायरा की शादी के लिए जो बैंक्वेट हॉल मैंने सिलेक्ट किया था ना, एक्साइटमेंट में मैंने उसे पूरे पैसे दे दिए थे, तो अब वो सिर्फ आधे लौटा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैंडी मैं क्या करूं। पैसे उस दिन खड़े होकर मैंने सबके सामने कहा था कि वो लड़की अपने परिवार और अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं है, फिर क्यों बुलाया तूने उसे यहाँ पे? अरे आप कौन होते हैं रूल डिसाइड करने वाले? मेरी लाइफ, मेरा बर्थडे, मेरी पार्टी, जिसको चाहे दोस्त बनाओ, जिसको चाहे पार्टी में बुलाओ। अर्जुन तू पागलों जैसी हरकत किए जा रहा है। क्यों, पागलबंदी करने का ठेका सिर्फ आपने लेके रखा है क्या? अभी ये क्या कर रही हो? घर वापस कर दोगी? क्यों? हाँ, लेकिन फ्री में नहीं, रेंट पे। 1,00,000 रुपए महीना अगर आप लोग दे सकते हो तो ये घर हम आपको दे सकते हैं रेंट पे।
तो अभिषेक की पत्नी बनने का एक्टिंग कर रहे हैं ना, उसकी पत्नी थोड़ी है जो उसके साथ पूजा में बैठ जाएंगे। नहीं नहीं करो ना, तुमने सजेस्ट किया तो तुम ही पूजा कर लो। अरे हम कर सकते तो कर देते ना, लेकिन हम नहीं कर सकते क्योंकि क्या है कि धोखा होगा, एक तो तुम्हारे अभिषेक के साथ और हमारी जिससे कभी शादी होगी उससे भी तो धोखा होगा ना। सब कुछ इतनी मुश्किल से ठीक हुआ, फिर क्यों कर रही हो ये? निशा की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम दोनों पे, पता नहीं वो कब क्या कर जाए। जब तक वो थोड़ी ठीक हो जाए और सच सुनने के लायक हो जाए बस तब तक हम उसे घर में रखें, दैट्स इट। निशा को ये पता नहीं चलने देना है कि मेरी और आदि की शादी हो गई है।